हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबगा। पेट्रोल के दाम तो दिन ब दिन आसमान छू रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक नया तरीका निकाला कैंपेन का। एक लीटर के परचेस पर ₹50 वापस दिए जाएंगे नागरिक को। कांग्रेस पार्टी ने आज कई जगह पेट्रोल पंप्स पर ₹50 वापस दिए, यानी कि वो कह रहे हैं कि महंगाई के ज़माने के अंदर जो रेट हमें परचेसिंग का आता है वही रेट आवाम को देना चाहिए। कि अगर केंद्र सरकार चाहिए तो ₹50 में पेट्रोल दे सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइस कम हुआ है, ₹35 में पेट्रोल मिल रहा है। अगर ₹15 स्टेट और सेंट्रल टैक्स लिए तो ₹50 में टैक्स पेट्रोल दे सकते हैं। ये अवेयरनेस पब्लिक में क्रिएट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसलिए कर रहे कि अवेयरनेस लोगों में हो कि सरकार अगर चाहिए तो ₹50 में पेट्रोल दे सकते। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chubu Lighting and Furniture, and by Smart Super Bazaar. इस मौके पर सीनियर कांग्रेस लीडर्स अलग अलग पेट्रोल पंप्स पर एक कैंपेन किए और लोगों ने इस कैंपेन का सही फायदा उठाया और पेट्रोल को कम रेट में दलवाया। बीजेपी सरकार के मान के चलिए अगर पेट्रोल का रेट 98 है तो ₹50 माइनस करने के बाद जनता को ये मिल रहा है ₹48 लीटर। गुड़गांव शहर का ये वाकया बता रहे हैं जहां पर आपको कांग्रेस पार्टी ने ये नया कैंपेन किया, कैंपेनिंग हुई जहां पर इसका इनॉग्रेशन हुआ कैंपेन है। उसके बाद संतराशवाड़ी के प्रिंस पेट्रोल पंप में भी ये कैंपेन की गई। आइए देखते हैं इस मामले में कौन कौन यहां पर मौजूद थे और एक कैंपेन किस तरह से चलाई गई। बीजेपी सरकार अच्छा नहीं कर रहे सर, अभी भी करना, मगर लोग बोल के हमारा पक्ष ये बोल कर हम सब लोग वोट डाले, मगर वो वोट का प्रकार नहीं कर रहे ड्यूटी। कांग्रेस के टाइम पे होती थी साहब, अब तो नहीं हो रही, कुछ भी खुशी नहीं हो रही। अब खाली क्या मालूम, मुझे बाउंड लेके पेट्रोल डालना है, खाली कहीं भी जाना है तो क्या मालूम सोच के जाना पड़ रहा, पहले आराम से क्या मालूम पूरा महिला। नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, जब से लगातार गरीब हिंदुस्तानियों को परेशान किया जा रहा है, कभी पेट्रोल के दाम को बढ़ाया जाता है, कभी डीजल के, तो कभी घरेलू गैस के बढ़ाया जाता है, इसके खिलाफ एहतजाज बुलंद किया जा रहा है। ये मोदी हुकूमत जब से आई है 7 साल से, जब से मुसलसिल हिंदुस्तान के लोगों को परेशान कर रही है, अभी तक उन्होंने इस बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किया है। जब वो गुजरात के सीएम थे, जब प्रधानमंत्री के दावेदार थे, तो बोले थे कि बहुत हो गए महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अभी क्या हो रहा है, अब की बार अंतिम संस्कार कर रहे हैं लोगों का। अभी तरकारी का प्राइस देखो, अब फ्यूल का प्राइस देखो, डीजल का प्राइस देखो, इसमें आम जनता का नुकसान बहुत हो रहा है और बीजेपी अभी भी गहरी नींद में है। देखिए आज के पूरे अखबार देखिए आप, हर अखबार में फ्रंट लाइन क्या है, फ्रंट पेज पे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है देश में, एसेंशियल कमोडिटीज़ का प्राइसेस बढ़ रहे हैं। किसके लिए बढ़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पे रहने की वजह से ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है, ये हर चीज़ के, चाहे तरकारी हो या फ्रूट्स हो या कौन सा भी एसेंशियल कमोडिटी का, और इन्फ्लेशन भी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़े हैं। इसलिए सरकार को, हुकूमत को हमारा ये डिमांड है कि डीजल और पेट्रोल के ऊपर का जो टैक्स है, चाहे तो ₹50 वो कम कर सकते हैं, अगर कम करेंगे तो लोगों को फायदा होगा उससे। कुछ हो ना हो लेकिन लोगों का फायदा तो जरूर हुआ है, ₹50 पेट्रोल कम आज कई सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया है। और कांग्रेस पार्टी पावर में ना रहते हुए भी इस कैंपेन को बड़े जोरदार से की और लोगों का फायदा किया है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर गौर करे और जो एक्स्ट्रा टैक्सेस और वैट लगाए जा रहे हैं उस पर कटौती हो जाए और आम जनता का इससे फायदा हो जाए। देखते रहिए gohash.in। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chubu Lighting and Furniture, and by Smart Super Bazaar.